अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा कवि एचक्यू प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा वंस अगेन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से है। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर की थी, और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जो एक्सेसेस हैं वो आने वाले टाइम में चार एक्सेस जो हैं लाहौर स्मार्ट सिटी को दी जाएंगी। एक लाहौर बाईपास, जिसको आप अक्सर लाहौर रिंग रोड के नाम से भी जानते हैं, और एक जीटी रोड से, और एक जो है लाहौर सियालकोट मोटरवे वाली साइड से है, और एक बैक साइड से जो अभी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट का विजिट करें तो आप वहीं से लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर होते हैं, तो वो गेट 4 कहलाता है, जहाँ से आप अभी करंटली लाहौर स्मार्ट सिटी अगर विजिट करने जाएँ तो वहाँ से आप एक्सेस हासिल करते हैं। तो इस टाइम हम आपके साथ ड्रोन फुटेज की मदद से, प्लस लाहौर स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान को गूगल अर्थ के ऊपर पेस्ट करके हम आपको ये बताएंगे कि ये रास्ता कहाँ पर बनेगा, और इस टाइम उस रास्ते के ऊपर कितनी डेवलपमेंट अपडेट डेवलपमेंट हो चुकी है, और ये कितनी देर में मुकम्मल होगा। इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने हमें NOC दिखाया, जो उनको इशू कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये NOC है, और इंशाल्लाह हमें मैनेजमेंट ने जो टाइम फ्रेम बताया कि ये 2 महीने के अंदर अंदर इस एक्सेस के ऊपर, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मेन एक्सेस कहलाएगी, जो प्राइमरी एक्सेस होगी वो यही एक्सेस होगी, इसके ऊपर 2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इंशाल्लाह काम शुरू कर दिया जाएगा, और बहुत स्पीड से काम जो है वो करके इसको लाहौर स्मार्ट सिटी की आवाम के लिए, जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, प्लॉट्स बाई किए हुए हैं, या वो अपने जो है वो घर बनाना चाह रहे हैं, या जो उस टाइम तक बना चुके होंगे, वो यहाँ से इजीली लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एग्जिट और एंट्रेंस ले सकेंगे। तो आइए चलते हैं ड्रोन फुटेज की तरफ, और फिर इसके बाद हम आपको गूगल अर्थ के ऊपर समझाएंगे कि जो हमने आपको ड्रोन फुटेज दिखाई है ये किस एरिया की है, और कहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी की मेन एक्सेस बनने जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम हम लाहौर, आपको गूगल अर्थ नज़र आ रही होगी, और हम जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर, जहाँ पे हमने लाहौर स्मार्ट सिटी का पूरा मास्टर प्लान पेस्ट किया हुआ है। इसमें ये देखें कि आप ये पूरा लाहौर स्मार्ट सिटी का, अगर आप मेरे माउस को फॉलो करें तो ये पूरा लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान इस टाइम एग्जैक्ट एक्चुअल लोकेशन के ऊपर पेस्ट हुआ हुआ है। और इसमें जब आप एक्सेस की बात जो हमने आपको वीडियो में बताई कि जो मेन एक्सेस है लाहौर स्मार्ट सिटी की, वो अगर आप ये मेरी लाइन को फॉलो करें, माउस को फॉलो करें, तो ये वाली जो है लाहौर रिंग रोड या लाहौर बाईपास कहलाती है। इस लाहौर बाईपास के ऊपर ये ब्लू कलर का जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल से मेन एंट्रेंस इनकी लाहौर स्मार्ट सिटी की बनेगी। और जो हमने आपके लिए इसी वीडियो में आगे ड्रोन फुटेज तैयार की है, वो इस राउंड अबाउट से, ये अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस राउंड अबाउट से लेके इस एक्सेस तक जो है ना, हमने स्ट्रेट ड्रोन फुटेज आपको आपके लिए रिकॉर्ड किया। उसमें आपको क्रिकेट स्टेडियम भी आपके राइट हैंड साइड पे नज़र आएगा, और इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, और कितने देर के अंदर ये रास्ता जो है वो ओपन हो जाएगा, वो इंशाल्लाह आपको ड्रोन फुटेज के अंदर नज़र आ जाएगा। तो जो ड्रोन फुटेज है वो बताने का मकसद ये है कि ये आपको वीडियो के अंदर ये वाला राउंड अबाउट हाफ कंप्लीट हुआ हुआ नज़र आएगा, और इससे आगे फिर आप वीडियो में खुद जो है वो देख सकेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मेन एक्सेस है वो कहाँ से है, और उसके ऊपर कितना काम इस टाइम हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम ये आप, हमने ड्रोन फुटेज पॉज़ की हुई है, ये हम आपको दिखाते हैं कि ये जो राउंड अबाउट है, ये हमने आपको बताया था कि ये जो है हाफ़ कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, और ये हाफ़ कंस्ट्रक्शन जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से ये अगर आप मेरे माउस को फॉलो करें तो राइट हैंड साइड पे जीटी रोड की तरफ जो एक्सेस मिलेगी, ये उसको जाके ये वाला मेन बुलेवार्ड टच कर रहा है। और यहाँ से जो मेन एक्सेस की तरफ जाना है, वो अगर आप मेरा माउस फॉलो करेंगे तो इस जगह के ऊपर आपको ये लाहौर बाईपास, लाहौर रिंग रोड जो है ना, वो दूर नज़र आ रही होगी। तो अभी हमारा जो ड्रोन है वो यहाँ से, इस पॉइंट से सीधा फ्लाई करेगा और इस पॉइंट तक जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट आपको ये बात बतानी थी कि लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आप एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं। ये रिसेंटली लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने यहाँ पर मूव किया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब ये रोड बनेगा, ये तकरीबन 350 फीट वाइड जो है वो रोड है। और यहाँ पे ये जो अभी हम आपके लिए वीडियो जो है ये प्ले कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको ये काफ़ी सारी फसलें नज़र आ रही हैं, और इन फसलों वालों से या ये जो लैंड ओनर्स हैं, इनके साथ एग्रीमेंट्स किए जा चुके हैं, ये इस फसल के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी को अपनी ये लैंड
जो है हैंड ओवर कर देंगे, सिर्फ कमिटमेंट सिर्फ इस फसल तक की है। तो ये आप देख लें कि यहाँ से ये सीधा लाहौर स्मार्ट सिटी का मेन एक्सेस गुजरेगा। और आपको मैंने गूगल मैप पे जब हमने आपको ये ब्रीफ किया था कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जब आप एक्सेस की तरफ जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ये क्रिकेट स्टेडियम नज़र आएगा, तो वो इस स्टेडियम की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टेडियम कंप्लीट हो चुका हुआ है और यहाँ पे रॉयल प्रीमियर लीग जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की है वो एक सीज़न हो चुका है। और ये देखें आपके सामने इस टाइम लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मेन एक्सेस है, यहाँ पे मैं वीडियो को रोकता हूँ, ये आप मेरे माउस को फॉलो करें तो ये लाहौर रिंग रोड है। और अगर आप ये देखें यहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे मिट्टी डली हुई है। इस टाइम यहाँ से टेम्परेरी एक्सेस लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ले लिया है जो आने वाले 2 महीने में खोल दी जाएगी। इस टाइम लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ही यहाँ से एंटर और एग्ज़िट कर सकती है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे आके लाहौर स्मार्ट सिटी के मेन एक्सेस जो है, जो इंटरचेंज है, वो बनेगा। तो ये ओवरऑल आपको मैंने बताना था कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो ओवरऑल अपनी एक्सेस है वो कहाँ से मिलेगी। ये देखें जी, इस टाइम बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस होगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है क्रिकेट स्टेडियम है और इसी के राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा वाटर थीम पार्क जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। और ये लेबर कैंप्स आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी की मैनेजमेंट ने मूव कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ मेन बुलीवार्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि उसको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर मुकम्मल किया जा सके।